आत्मरक्षा प्रथम अधिकार होती है, तब भी जब गहन वन में हिंसक जीवों के मध्य रहना पड़े या सभ्यता के हिंसक मनुष्यों के मध्य। इसलिए साधना करने वाले योगी भी हिंसक जीवों को दूर रखने और उनको सावधान करने के लिए साधारण धनुष बाण अथवा कोई अन्य अस्त्र शस्त्र निर्मित कर पास रखते हैं। धनुष बाण का प्रयोग जब ऋषि मुनियों, योगियों, महासिद्धों ने आरंभ किया तो उससे धनुर्वेद का विस्तार हुआ। धनुर्वेद धर्म का वो महत्वपूर्ण अंग है जिसके बिना धर्म पालन संभव ही नहीं। जब शासक अत्याचारी हो जाएं, सत्ताएं निरंकुश होने लगें, प्रहरी सैनिक इत्यादि सभी राज्य सत्ताओं के अधीन हो, भ्रष्ट हो जाएं, सभ्यता मूर्खों, पापियों, धूर्तों और षड्यंत्रकारियों से प्रताड़ित होने लगे, तो ऐसी अवस्था में एक साधारण मनुष्य की रक्षा कौन करेगा? जब साधारण मनुष्य की रक्षा के लिए न कोई सत्ता, न ही कोई न्यायालय, न सेना, न राजा, न ही प्रहरी आदि संस्थाएं सहायक हों, तब ऐसे में तुम्हें प्रकृति व ईश्वर प्रदत्त आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। ऐसी ही दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था के लिए सिद्धों एवं ऋषि मुनियों ने तुम्हें धनुर्वेद दिया और बाल्यकाल से अभ्यास की सम्मति दी। यह धनुर्वेद तुम्हें बांस के साधारण अस्त्र बनाने के लिए नहीं, अपितु अमोघ अस्त्रों एवं शस्त्रों को बनाने के लिए दिया गया। फिर तुम इस विद्या को क्यों भूल गए? याद रखना, जब भी असुर आएंगे वो तुम पर पत्थर, अग्नि, विष, रक्त, मांस आदि निकृष्ट पदार्थ फेंकेंगे। उनकी ये वृत्ति प्राचीन काल से ही है। ऐसी अवस्था में तुम्हारी आत्मरक्षा और धर्मरक्षा के लिए तुम्हें धनुष और शस्त्र दिए गए थे, वो आज कहां है? तुम्हारे दिव्यास्त्र कहां है? तुमने अपने अस्त्र शस्त्र राज्य सत्ताओं को क्यों सौंप दिए? यदि तुम इन सब अस्त्र शस्त्रों को छोड़ चुके हो तो इसका अर्थ है तुम अपने वेदों को ही छोड़ चुके हो, वह धर्म को छोड़ चुके हो। जो वेद विरोधी हैं वो नास्तिक हैं। याद रखना, नास्तिक मलेच्छ, अधर्मी, मूर्ति विरोधी, देवता विरोधी, गुरु विरोधी, गौ घातक, देवताओं और धर्म का अपमान करने वाले आदि जो अधम पापी मनुष्य हैं, वे नाश योग्य ही हैं। अन्यथा सत्ताएं और ये पवित्र धरती माता दैत्यों और अधर्मियों की हो जाएगी और सत्य धर्म व तुम्हारा समूल विनाश हो जाएगा।